इसकी माँ का दूध 23-24 किलो देती थी। इसकी मिल्क कैपेसिटी भी 22-23 किलो की है। इसे यथा पहले व्यांत में लगभग 19 लीटर जी, सबसे पहले मेरा ख्याल है ट्राइब की पहली बछड़ियों में होगी पूरे इंडिया में जी। ना बोले एबीएस का रफ्तार जी जी उसकी बेटी थी जी। और इसकी माँ ने दिया था 23 किलो और 580 ग्राम। मेरे पास चार ब्रीड की जो भी है सभी 20 लीटर से ऊपर की हैं रोज। सबसे पहले तो बजट की बात आ जाती है जी जी कि ना मेरा बजट कितना है। हाँ। वो गाय फिर सेल कर देता हूँ जी। जाते हैं देते देनी पड़ती है जी। इसमें कौन सी वो बात है जी। और सारी रख के तो अपने काम पूरे आएंगे जी जी। छोटा सा काम अपना कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा फार्म है। देसी गाय से प्यार करने वाला तो जो मर्जी हो मेरे से बात जो मर्जी कर लेता है। थार पर कर भी अभी देनी है इसकी मदर भी, और वो 24 किलो वाली जो साई वाला वो भी देनी है। संस्कार हरियाणा परिवार से जुड़े सभी भाइयों को राजभाई की तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। एक बार फिर वही छोटा सा प्रयास कि हर घर में देसी गौवंश हो, उसी मुहिम में एक लंबी ट्रैवलिंग के बाद आज पहुंचे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के गाँव के अंदर शमशेर जी के पास। शमशेर जी जो कि राजस्थान के बहुत ही जाने माने अच्छे ब्रीडर है, और राठी, साहिवाल, थारपारकर और गिर चार ब्रीड पे मुख्यतः है। बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे बुल तैयार करके, बछड़े तैयार करके किसी संस्था को या फिर गौशाला को फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे गौ माताएं भी प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए बात करते हैं, स्वागत है जी आपका। सबसे पहले तो मैं संस्कार हरियाणा जी परिवार का अपने फार्म पर स्वागत करता हूँ, और राज भाई का भी जी। और यह आए तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद इनका जी। और इनको इन्होंने भी अपने पास टाइम दिया जी, तो इनके हम हार्दिक आभारी रहेंगे जी जी जी। बाकी देसी गौ पालन में जो भी है या मतलब रखते हैं अपने शौक उनके लिए तो फिर टाइम हमारे लिए स्पेशली है ना जी जी जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो पहले तो अपना यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। ये मेरा गांव रैन है जी जी। ये श्री गंगानगर जिले में पड़ता है राजस्थान में जी जी। हाँ जी, तो आज क्या कुछ से मतलब आप ब्रीडिंग करते हो या सेल परचेज करते हो, क्या कुछ से थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। नहीं ब्रीडिंग का तो घर में जितना भी कौन तो भी चलता है जी जी। लोग मान लेते हैं ये ब्रीडिंग करते हैं जी, लेकिन जी। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ जी। तो सिर्फ अपने अच्छा सीमेंट रखना है जी, तो अपने आप ही हो रही है ब्रीडिंग तो जी जी जी। तो आज गौवंश की डिटेल दोगे, अपने पास सारे रिकॉर्ड है आपके पास। हाँ एक्चुअली यूं है कि मेरे पास अभी चार ब्रीड की मतलब देसी गाय है मेरे पास जी। तो चारों का ही जैसे मेरे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहता है जी, दोनों साइड से, डैम साइड से भी और साइड जी साइड से भी जी। हाँ हाँ, अब जैसे ये राठी में है जी, है ना जी, तो ये फर्स्ट टाइमर है जी। हाँ ये भी अब 6 महीने पहले ब्याई थी जी। तो हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास जो भी चार ब्रीड की गायें हैं उनका उनकी जो मिल्क कैपेसिटी है जी 20 लीटर से ऊपर की है पर डे की जी जी। अगर कई गोपालक भाई बोलते कि इतनी देसी गौवंश दूध नहीं देते, इतनी मिल्की नहीं हो सकती, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए अपने अलग से आपको बताऊंगा, हालांकि पहले वीडियो बन चुके हैं जी, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए जी, जी एक्स्ट्रा जी। हाँ वो अपने अलग से जी कवर कर लेंगे टॉपिक जी जी। बताइए डिटेल। तो जैसे इसका था जी, इसकी माँ का दूध 23-24 किलो देती थी रोज का, डेली का जी जी। हाँ वो अभी भी मेरे मित्र के पास यूपी में है जी। हाँ वो अभी भी बहुत 10 महीने बाद भी वो 13-14 पर है जी। और देसी गाय के लिए इतना बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया जी। हाँ और ये 6 महीने पहले भी आई थी जी, तो ये 14 लीटर पर पहुंची, हालांकि मैं कम मानता हूँ जी। तो और इसके नीचे केजीएससी का जो मनवीर था जी उसका बछड़ा है, बहुत बढ़िया जी, वो साइड में खड़ा हुआ दूसरा केजीएस का बछड़ा, ये बहुत सुंदर बछड़ा आया हुआ है जी। निको जी वो अभी खाने में मस्त है ना जी, वो निको ये खड़ा हुआ है। अरे निको इधर जी, वो पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा जी, हो रहा ठीक है जी, ठीक है जी। इसका बछड़ा आया जी जी। उसके बाद ये साहिवाल है लीट अपनी जी। हाँ इसकी मिल्क कैपेसिटी भी 22-23 किलो की है जी। हाँ एक टाइम का 11 लीटर से ऊपर देती है जी। अभी इसको ब्याए हुए 7 महीने हो गए हैं जी। वो बछड़ी आपने देखी हुई 165 नंबर बुल की बछड़ी है इसकी जी 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 जी। हाँ जी जी। और ये केजीएसजी के अर्जुन की बछड़ी जी, ये भी फर्स्ट टाइमर है जी। 1 महीना पहले ब्याई थी लगभग जी, 22-25 दिन हो ही गए इसको ब्याए हुए जी। तो ये भी 14 लीटर पर पहुंची अभी जी।
एक्चुअली क्या था, इसको जब संभालने का था ना टाइम, तो मेरे को भी डेंगू हो गया जी जी, और मैं 15 दिन के लिए बिल्कुल बेड पर था जी जी, इसको संभाल नहीं पाया जी, केयर पे कुछ होता ही डिपेंड। हाँ, बाकी मेरे को लगता है अब जिस प्रकार से अब चलती है ये 15 लीटर से ऊपर जाएगी आराम से जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और इसके नीचे ये बछड़ा है जी 21162 का जी, ये बछड़ा 21162 का लड़ी जी, लड़ी ये ये देख सकते हो आप, गोवंश का प्रेम आप देख सकते हो यहाँ पर जी। बताए आगे डिटेल और बताए। हाँ, ये सीसीबी फार्म की गाय है जी, 7947 जी। ये इसकी इसने यह दूध पीक टाइम पर 19 लीटर जी, अभी इसका एक थन बंद हो चुका है जी। ये भी लगभग 5 महीने पहले बेई थी जी। हाँ, इसके नीचे बछड़ी है वो भी 21162 की है जी, वो जो थोड़ी सी ब्लैक कलर में आई हुई है जी जी, श्याम रंग में, सर्दी में रंग बदल लेते हैं ना ये, परिवर्तन करते हैं। और इसका जो फादर है 21162 जी जी, वो भी पूरा सर्दियों में काला ही हो गया था, आपने देखा ही होगा जी 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 जी, देखा जी। हाँ, वो भी जी। और ये बछड़ी भी 21162 की है जी, इसकी माँ थी सूरतगढ़ की 8118 जी, 81 नंबर जी जी। हाँ, वो सेल कर दी थी हमने, बेची थी। और ये है S34 की बेटी है ये जी, S34 की। हाँ जी, इसकी माँ मुल्तान की थी जी जी जी। और ये है KGSG के नटराज की बेटी जी, ये दूसरी बार 6 महीने पहले बेची थी जी। इसके जो बछड़ा है 50153 का जी, और पहली बार में इसके था 165 नंबर की बछड़ी, वो परली साइड में खड़ी हुई है जी। और इसने यह था पहले व्यांत में लगभग 19 लीटर जी, अब दूसरी में ये 20 से ऊपर गई थी जी। बहुत बढ़िया जी। ये हमारी बछड़ी नटराज की, सबसे पहले मेरे ख्याल ये नटराज की पहली बछड़ियों में होगी पूरे इंडिया में जी जी, बहुत ही शानदार। और ये HLDB की जो चैंपियन गाय मानी जाती थी T57 जी, ये उसकी बेटी है जी। ये T57 मैंने ली थी जब, तो उसके साथ आई थी ये फार्म से जी। अब ये बेई है जी, 4 महीने हो गए इसको बेए हुए जी, और वो 21162 का बछड़ा है इसके। इसके रिकॉर्ड की बात करें तो ये भी 13-14 तक पहुंची थी फर्स्ट टाइम जी जी। बाकी और बताइए जी, ये देख सकते हो एक से एक बेहतर गोवंश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 50153 की बेटी है ये जी, इसकी माँ सेल कर दी थी। और कितने महीने की हो चुकी है ये? लगभग है 27-28 महीने की है जी। ये नूर की बेटी है जी, ये जो S34 का बेटा था ना नूर जी, जी जी जी, ये उसकी बेटी है जी। और इसकी माँ थी S16 की जी, नानी S40 की जी। और ये है ULDB का जो बोला 165 नंबर जी, वो उसकी बेटी है ये जी जी। और माँ साइड में वो जो KGSG की थी गाय जी जी, नटराज की बेटी जी जी, नटराज हाँ, ये उसी की बेटी है। और लगभग देखिए आप इसके, ये सेम अपनी मां जैसी है जी, बिल्कुल ही काजी करेक्टर आये रोजी। ये देखो इसका ना हेम्प वगैरह और ये सारा इसका माथा वगैरह टोटल वैसा ही है, बिल्कुल अपनी मां जैसा है जी, है ना जी। हाँ, बिल्कुल मां जैसा है। और ये ULDB के जो गिर का बोलता गब्बर जी, ये उसकी बेटी है जी जी। और इसकी माँ थी रफ्तार ना, बोले ABS का रफ्तार जी जी, उसकी बेटी थी जी। और इसकी माँ ने दिया था 23 किलो और 580 ग्राम जी, पार्टी की रिकॉर्डिंग हुई थी NDTV द्वारा जी जी। हाँ, और ये भी राठी की बेटी है ये भी जी, इसका रिकॉर्ड नहीं है अपने पास, ये अपने फार्मर से ली थी। अच्छा जी। हाँ, लेकिन इसकी माँ का दूध 22-23 किलो उसका भी था जी। वैसे आजकल रिकॉर्डेड बता देते हैं झूठ बोलकर, आपकी ये सच्चाई देखी मैंने कि आपने मना कर दिया इसके लिए। हाँ, नहीं जो नहीं है तो नहीं है, फिर उसमें जी 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 जी, भी अपने कौन सा किसी को देना करना है या किसी को सेल करनी है जी जी जी, पसंद होगी अगला अपनी मर्जी से लेके जाएगा जी। तो ब्रीडिंग आपको करते हुए कितने साल हो चुके हैं?
मेरे को लगभग 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। हाँ जी। अगर कोई गोपालक भाई ब्रीडिंग करना चाहता है तो उसकी मतलब कितने सालों बाद रिजल्ट आता ब्रीडिंग का? नहीं, रिजल्ट तो अपने जैसे कहते हैं 9.5 महीने बाद ही आ जाएगा। जी जी। लेकिन जो वो वांछित रिजल्ट चाहता है जी, या वो जिसके लिए ब्रीडिंग कर रहा है जी, उसको आने में मेरे विचार से 11-12 साल चाहिए। 11-12 साल। हाँ बिल्कुल। और वो भी तब है जब आगे की आगे बछड़ी आती रहे जी। मान लो कोई एक आधा बछड़ा आ गया जी, तो वो साल बढ़ जाएगा एक और। तो उसके लिए यही है कि आप सेक्सर सीमन यूज करो जी, आम भाषा में जिसको बछड़ी वाला सीमन बोलते हैं जी। हालांकि वो महंगा पड़ता है थोड़ा सा जी जी, और कई स्टेट्स में उसके लिए सब्सिडी तो है वैसे जी, लेकिन नहीं है तो भी फार्मर को वही लगाना चाहिए, वही यूज करना चाहिए मेरे विचार में तो। जी जी जी। तो आम फार्मर के पास जो बछड़े होते हैं वो काम के तो आते नहीं है जी, है ना। और सेक्सर सीमन कितना भी महंगा पड़ जाए जी, बछड़े से तो अच्छा ही रहेगा जी। बछड़ी आएगी तो ब्रीडिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये और बताइए। ब्रीडिंग में सावधानियां मेन तो यही है कि आप जो जिस नस्ल की आपके पास गाय है जी, उसी नस्ल के बुल का सीमन जी यूज किया जाए जी जी, है ना जी। और वो भी अपने गाय के फीचर के अनुसार जी, स्ट्रक्चर कैसा है या आप क्या करना चाहते हो उससे जी, दूध लेना है पहले ब्यूटी लेनी है क्या कुछ, है ना जी 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 जी। हाँ, लेकिन मैं तो मिल्क को ही बोलता हूँ सबको जी, कि ना पहले तो दूध ही आना चाहिए जी, क्योंकि बिना दूध के ज्यादा टाइम तक फिर उसको रखना ना जी, एक बार तो और होती है अपनी भावना ठीक है मैं देसी देसी करता हूँ जय दो माता जी, है ना जी। लेकिन जी, वो बिना दूध के नारे लगते नहीं है, मेरा तो यही सोचा मैंने। जी जी, बहुत बढ़िया, मेरा विचार तो यही लगता है जी, और जैसा मैंने देखा है जी। हाँ, नारे लगाने आसान है लेकिन बिना दूध के गाय रखना तो जी जी, बहुत बढ़िया, कितना भी आप कर लो जी। और कभी ना कभी तो मन में आता है यार इसका दूध तो है नहीं यार, क्या करने रखे जी। तो उसके लिए ये है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था जी, कि मेरे पास 4 ब्रीड की जो भी है सभी 20 लीटर से ऊपर की है रोज की जी, और देसी में 20 लीटर मेरे हिसाब से तो जी ज्यादा ही बढ़िया बात हो जाती है जी जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को पता है जी, है ना, 10 लीटर से ऊपर भी ज्यादा मानते हैं देसी में तो। हाँ हाँ जी। बाकी ब्रीडिंग कर रहे तो पहले तो दूध की ओर ही जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो जी जी, है ना जी। अब जैसे अवतार का है, अवतार की तो मैंने सीसीए फार्म से शुरू किया ना जी जी जी। तो ब्रीडिंग की शुरुआत कहाँ से की जाए आखिर? मेरे हिसाब से तो आप पहले तो नस्ल देखिए आप कौन सी रखना चाहते हैं जी, तो उस नस्ल के ज्यादातर लक्षणों वाली गाय आपको जो भी मिलती है आपके बजट के अनुसार जी, वो लेके उसमें अच्छा सीमन रखा जाए जी 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 जी, है ना। और सबसे बड़ी बात है रिकॉर्ड जरूर मेंटेन किया जाए कि किस गाय में कौन से बुल का सीमन जी है, नहीं तो आगे जाके बड़ी भयंकर परेशानी आने वाली है जी। तो हमारे कई गरीब गोपालक है जो कि गौ माता खरीदने में असमर्थ है, वो कहां से शुरुआत करे गौ माता की आखिरकार? शुरुआत उनके लिए तो हालांकि ये ना बात कहनी है सान, अगले को रह दे लेना आप ये कर लो वो कर लो, है ना जी, जी। लेकिन उसके लिए बहुत सारी बातें काउंट होती हैं जी, है ना। वे सिर्फ गाय को देखने से कहने से जैसे उसमें सबसे पहले तो बजट की बात आ जाती है जी जी, कि ना मेरा बजट कितना है जी, है ना। बजट के बाद उसकी सार संभाल है जी, और आपका उद्देश्य भी तो पता होना चाहिए ना आपने क्या लेना है जी जी। आपका उद्देश्य अपनी आजीविका है, दूध ही पीना है जी, या आगे ब्यूटी लेनी है, नस्ल सुसंदर सुधार करना, वो भी तो है ना जी जी। और उसके लिए तो भी यदि आपने ब्रीडिंग करनी है जी, तो आपको कम से कम 3-4 पीढ़ियां तो रखनी पड़ेगी ना गाय की जी, है ना। तो ये जी, और मेरी तो यही राय होती कि HF में तो जैसे आपको पहले बताया कि ये देसी गाय का सीमन नहीं रखना चाहिए जी जी जी, है ना जी। खून में तो वो रहेगा ही रहेगा जी जी, कितनी भी आप कोशिश कर लो जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और बाकी उसकी जो प्योरिटी आते आते, बाकी 100% प्योर तो होगी नहीं जी, लेकिन प्योरिटी आते आते साल इतने हो जाएंगे कि उसका शौक तब तक रहे न रहे जी, ये कोई है ना जी जी जी। क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है जी। आखिरकार गौ माता अगर कोई भाई परचेज करता है, गोपालक भाई, उसके अंदर क्या कुछ करैक्टर देखने चाहिए आपके हिसाब से, बताइए थोड़ा सा। नहीं, वो तो मैंने जैसे पहले मेंशन कर दिया जी, यदि वो खुद जानकार है जी अच्छी बात है, नहीं तो किसी जानकार व्यक्ति से पूछ ले कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है जी, मैं ये चाहता हूँ और आगे भी मैंने ये करना है जी, उसी हिसाब से गाय को लिया जाए जी, है ना जी 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 जी। बाकी कोई इंडिविजुअली अपने उसको स्पेशल बोल दें कि ऐसी होनी चाहिए तो वैसे नहीं तो मिलती है जी, है ना।
और नहीं। तो इनमें से कुछ गौ माताएं आप सेल करते हो या फिर कैसे देते हो, बछड़ा बछड़ी किस हिसाब से, वो भी थोड़ा सा बताइए। नहीं, उसमें तो ये होता ना कि जिस गाय की एक बछड़ी और एक बछड़ा आ गया, हाँ, वो गाय फिर सेल कर देता हूँ। जी जी जी। तो अपना काम ही आगे बछड़ियां लेना ही आगे। तो किस हिसाब से दार क्या है, किस हिसाब के बंदे को देते हो आप, कैसा होना चाहिए आखिरकार आपके हिसाब से? नहीं, उसके लिए मेरे को स्पेशल शर्तें रहती हैं। जी जी। कि एक तो वो देसी गोवंश से प्यार करने वाला हो। जी। और उसके लिए मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ अभी, ये बंदा गाय को पूरे सही सार संभाल करेगा, उसका खिलाना पिलाना और सबसे बढ़िया प्रेम से रखेगा। जी जी जी, है ना जी। हाँ, गाय तो ऐसी बात नहीं है, ले ही जाते हैं, देते देनी पड़ती है, उसमें कौन सी वो बात है। जी, और सारी रख के तो अपने काम पूरे आएंगे। जी जी। छोटा सा काम अपना, कोई ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा फार्म है ना। जी जी। हाँ, ये आजकल आखिरकार एक गोवंश रखने में संकोच करते हो आप, इतना इतना गोवंश रखते हो, कैसे संभाल पाते हो, कैसे मेंटेन? ये गौ माता का ही काम है ये। जी, है ना, है ना जी। और बाकी शौक का कोई मोल नहीं, तो लोग लाखों रुपए कुत्ते रख रखे उन्होंने। जी जी, है ना। हालांकि ये बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए। जी। वो भी एक जीव, अलग अलग शौक है। जी। लेकिन उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जी। लोग 5 लाख का 4 लाख का कुत्ता रख लेते हैं और उठाएंगे क्या उसका? जी, गंदगी तो उठाएंगे। जी जी जी। हाँ, तो ये दूध की बाल्टी तो भरती है, रेट का तो कोई मैंने नहीं रखता उसमें। जी जी। अगले कोई चीज का पता होना चाहिए। जी। हाँ, वैल्यू हो ना। जी। अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बताइए। 95093 जी 88111 जी जी 95093 जी 88111 जी जी। कैसे गोपालक भाई आपसे संपर्क कर सकते हैं कि आपसे कोई राय लेनी हो या फिर गोवंश खरीदना हो या कैसे? अब देसी गाय से प्यार करने वाला तो जो मर्जी हो मेरे से बात जो मर्जी कर लेता है। जी जी। पहली शर्त यही होती है कि वो देसी गोवंश वाला, मैं अब बाकी का मेरे को ध्यान भी नहीं है। जी जी जी। अब देसी गोवंश वाला जो फार्मर है वो जब मर्जी फोन कर ले, उनके लिए हम रेडी रहते हैं। जी जी। पूरा टाइम है उसके लिए, और जितना को पता उतना बता देंगे। अब क्या है? जी जी जी, बहुत बढ़िया। बनानी है किसी को? बहुत बढ़िया जी। तो जी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। हाँ नहीं, एक बार ये बछड़ी आपको दिखा देते, छोटी वाली। जी, लड़ी इधर, उधर से बनाओ, उधर से बनाओ, ये तो आ जाएंगे इधर ही। हाँ बताइए जी। ये ओराठी मनवीर का बेटा है। जी। KGSG के। जी जी। हाँ, ये भी अब जाएगा, भाई को चाहिए किसी को तो ले जा सकता है। जी जी। ब्रीडिंग के लिए। जी। हाँ बताइए इसके बारे में और बताइए। ये 21162 की है जी। जी। मदर इसकी आपने वो देखी है? जी। 7947 CCBF की। जी जी। और ये भी 21162 की है। जी। लडो। जी। और इसकी मदर थी 8118। जी। अब वो सेल कर दी तो। जी। तो बछड़िया भी दे देते हो आप? नहीं, बछड़िया भी नहीं दे रही। जी। हाँ, बाकी अब एम्ब्रियो की आने वाली है, तो उनमें से कुछ देखेंगे क्या कुछ आ गई है। जी जी। वो जैसे भी बनेगा तो वो सब हो जाएगा। जी जी। अभी उसे गाय वगैरह चाहिए तो वो दे देंगे कुछ। जी जी। हाँ जी। बाकी थार पर भी अभी देनी है इसकी मदर भी। जी। और वो 24 किलो वाली जो साई वाला, वो भी देनी है। जी। हाँ, कोई भाई लेगा तो। हाँ, वैसा बंदा हो तो उसको दे देंगे। जी। वैसे किसी व्यापारी को नहीं देंगे? हाँ, व्यापारी को नहीं देंगे। जी। साधारण जो पशुपालक है, गौ माता से प्रेम करता है, उसी को दे। ब्रीडिंग पर्पज में जिसका काम है उसके लिए तो बेस्ट है। जी। जैसे अब वो थार, वो सूरतगढ़ फार्म की है। जी। एक टाइम 19 लीटर था और लास्ट लैक्टेशन में वो अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज दी थी। जी। दूध पीने के लिए। जी। तो ना, वो थोड़ी लेट होगी इंसेमिनेशन में। जी जी। तो उसने 600 दिन दूध दिया था। जी। 600 दिन देसी गाय में आमतौर पर तो बोलते हैं ये तो 3-4 महीने पिलाती है और लात मारती है। जी। अब 600 दिन का मतलब कितना हो गया आप समझिए, 2 साल के आसपास होने वाला है। हाँ, 2 साल के आसपास। और वो भी बहने वाली थी तब इसको ट्राई करना पड़ा। जी। तो इतने लंबे लैक्टेशन की गाय देखी है क्या आपने? नहीं नहीं, नहीं देखी जी। थार वो सूरतगढ़ फार्म की है, वो भी दे रहे हैं अभी उसको, तो उसकी ये बछड़ी आ गई है। जी जी। और बछड़ा भी आ जी, है ना जी। तो इस सब जानकारी के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और सभी गोपालक भाइयों को राम राम जी। जय गो माता, जय गो माता।